डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 2 जनवरी को चिकित्सक द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार व मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इस मामले को 2 सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करेगी और मेडिकल कॉलेज का घेराव करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच करवाने की मांग की है। जो 2 तारीख को मेडिकल कॉलेज में जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की है। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 तारीख को मीडिया में भी ये सारी खबरें आई हैं, मीडिया के माध्यम से हमें ज़्यादा पता लगा है इस बारे में। तो जो 2 तारीख को एक महिला जो यही हमीरपुर ज़िला से ही ताल्लुक़ रखती हैं, उनका ऑपरेशन होना था 3 तारीख को, तो 2 तारीख को उनकी एनसीसीआर जो चेकअप होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर या दूसरी बीमारियों की जांच की जाती है कि ये काबिले ऑपरेशन है कि नहीं, उसके लिए उसको उनको समय दिया गया था डॉक्टर द्वारा। तो जब उनकी बारी आई तो ना वहाँ पे, वैसे जो प्रैक्टिस के मुताबिक जो अगर महिला पेशेंट है तो महिला अटेंडेंट का, किसी न किसी महिला अटेंडेंट का वहाँ होना आवश्यक है, जो नहीं किया गया। और उसके साथ जब आप ब्लड प्रेशर या दूसरी चीज़ें चेक कर रहे हैं तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है कमरे की, उसको लॉक किया गया उस डॉक्टर द्वारा। अकेले डॉक्टर ने वो परीक्षण किया और उसकी मंशा पहले से ही गलत थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड किया गया, महिला अटेंडेंट को नहीं बुलाया गया, लॉक किया गया कमरे को। तो इसके पीछे ये साबित करता है कि उस डॉक्टर की जो मंशा थी वो पहले से गलत थी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो महिला कर डॉक्टर को कॉलर से पकड़ कर बाहर लाई और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी कि इसने मेरी अस्मत पे हाथ डालने की कोशिश की है। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद इसको जो मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको ये बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला था और किसी महिला की अस्मत से जुड़ा हुआ मसला था। और डॉक्टर, जिसे कि हम ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, वो अगर इस तरह का इंसिडेंट करे तो इससे बदतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ये सारा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ और उसको बजाय इसके कि उसके ऊपर रिएक्ट करते, डॉक्टर को उसी समय सस्पेंड कर देना चाहिए था। उस महिला के बयान ही काफ़ी थे उस बारे में, ना वो डॉक्टर के खिलाफ सस्पेंड तो दूर, उसके खिलाफ किसी तरह के चार्जेस भी नहीं लगे, और बल्कि उल्टे प्रशासन की तरफ से, जैसा कि हम समझते हैं, हम खैर उस वक्त इंसिडेंट के घटनाक्रम जो घटना हुई है उसके मौके पर तो हाजिर नहीं थे, पर जैसा हमें विदित हुआ है, जैसे कि पता लगा है विभिन्न सूचनाओं से, तो उस वक्त उस सारे को हशब करने की कोशिश की गई, उस महिला पे दबाव डाला गया, उस महिला पे पता नहीं किस तरह का दबाव डाला है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है। और उस महिला का दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, हो सकता है उसको उस ऑपरेशन की वजह से ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ा, पर अगर इस तरह के इंसिडेंट हॉस्पिटल्स में होना शुरू हो गए तो फिर आम आदमी का, आम महिलाओं की इज्जत पे जो इस तरह के वार हो रहे हैं वो लगातार होते रहेंगे। तो हमारा ये सरकार से इल्तिजा है, सरकार से गुजारिश है
कि वो इस घटनाक्रम को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा इस सारे घटनाक्रम का की सही जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस जो भी आदमी जो भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि आगे के लिए इस तरह की घटनाएं ना हो, यह हमारा कहना है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है मेडिकल कॉलेज की, इसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही। यहां पर इतना वहां पे ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वो अपने इलाज के लिए आते हैं, उनको दिन भर खड़ा होने के बावजूद भी डिस्पैच बिना अपना इलाज करवाए जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की कोई सही तरीके से ड्यूटीज़ नहीं है। डॉक्टर अपनी मन मर्जी से वहाँ पे बैठते हैं, उठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पक्का रोस्टर वहाँ पे नहीं तय किया जाता और डॉक्टर के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई जाती। एक्सपर्ट्स वहाँ पे नहीं बैठते, बड़े कम बैठते हैं, अपनी मर्जी से बैठ